नमस्कार, जय श्री राम, जय माता के मित्रों। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी टोटका बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग करके आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो। जी हां मित्रों, इतना चमत्कारी टोटका है कि इसका प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं बनता है, बनते बनते बिगड़ जाता है, किसी पर हमारा पैसा फंसा हुआ है वो पैसा नहीं देता है, या हमारे बच्चे पढ़ लिख करके तैयार हो गए लेकिन नौकरी नहीं लगती है, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, इसकी बीमारी में दवा काम नहीं करती है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो और इस प्रयोग के द्वारा आप अपना हर कार्य करा सकते हैं। इतना चमत्कारी प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है उसे थोड़ा ध्यान से समझिए। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले अपने मन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखना अति आवश्यक है, क्योंकि मित्रों, जिनके मन में विश्वास और भरोसा नहीं होता है उनका कोई काम नहीं होता है। किसी भी प्रयोग को करने से पहले उसके ऊपर हमें भरोसा भी करना होगा, विश्वास भी करना होगा और श्रद्धा भक्ति भाव से वो प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु जी, हमने तमाम टोटका करके देख लिए, तमाम साधना करके देख ली, लेकिन आज तक हमें तो सफलता मिली नहीं। मित्रों, जहां भक्ति और भाव की कमी होती है वहां पर हर कार्य फेल हो जाता है, कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए किसी भी प्रयोग को करने से पहले उस प्रयोग पर पूरी तरीके से भरोसा करिए, विश्वास करिए, भगवान का स्मरण करते हुए उस प्रयोग को कर डालिए, आपका 100% काम होगा। और प्रयोग की पहले विधि समझिए कि यह प्रयोग कैसे करना है। अब प्रयोग बताया है किसी तरीके से और आप किसी तरीके से करेंगे तो आपका कार्य सफल नहीं होता है। फिर आप कहते हैं कि हमने तो तमाम टोटके कर लिए, आज तक हमारा कोई कार्य सफल नहीं हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रयोग को करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो व्यक्ति पहली बार इस प्रयोग को करेगा और वही आगे दो बार और करेगा, यानी यह प्रयोग लगातार 3 बार करना है और 3 बार में आपका कार्य अगर न बने तो आप मुझे बता देना। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसे आप थोड़ा ध्यान से समझ लें। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक पत्तों वाली पत्तल लेके आनी है। ध्यान देना, प्रयोग बहुत छोटा है फिर भी आपकी समझ में ना आए तो वो आपके ऊपर है। एक पत्तों वाली पत्ता ला करके और एक बूंदी का लड्डू और 5 बेसन के पकौड़े और थोड़ा सा उसके ऊपर देसी घी लगा करके, पकौड़े के ऊपर और बूंदी के लड्डू पर ये लगा करके, और उसी में आपको 3 इलायची सफेद वाली डालनी है। ये डाल करके और आपको किसी भी चौराहे पे जाके और वो रख देना है। मित्रों, अब चौराहे पे रखे आप हाथ जोड़ करके चौगान माता से रिक्वेस्ट करेंगे। ये चौराहे की चौगान माता होती है जो आपके हर कार्य को सिद्ध करती है। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करिए कि हे मां चौगान माता, मेरा ये कार्य है और मैं इस कार्य के लिए आपको ये भोग दे रहा हूं और मेरा कार्य जल्द से जल्द सिद्ध हो जाए। मित्रों, आप वहां 5 मिनट रिक्वेस्ट करके और अपने घर वापस चले आइए। आपको वहां पर ना कोई तंत्र करना है, ना कोई मंत्र का जाप करना है, बस यह टोटका आपको करना है कि मां चौगान माता को आपको भोग देना है और सिर्फ 3 बार ये भोग दीजिए। यह प्रयोग आप हर शनिवार के दिन करेंगे। 3 शनिवार लगातार करने पर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सब खत्म हो जाएगी। आपके बच्चे नौकरी से नहीं लग रहे हैं, आपके घर में कोई बीमार पड़ा रहता है, आप कर्ज से परेशान हैं, या आप धन पैसे के लिए परेशान हैं, या आपका कोई व्यक्ति पैसा लेकर के चला गया है और वो पैसा वापस नहीं दे रहा है। मित्रों, इस प्रकार के आपके कोई भी कार्य हो,
सिर्फ 3 बार भोग देकर के चौगान माता से अपना काम ले सकते हैं। यह एक ऐसी प्रचंड देवी है जिसको शमशान में माता मसानी के नाम से भी जाना जाता है और चौराहे पे चौगान माता के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोग से आपके बड़े से बड़े कार्य हो सकते हैं श्रद्धा भक्ति भाव से, और इस प्रयोग को आप 3 बार लगातार करिए और फिर देखिए इसका चमत्कार। आप कहेंगे कि वास्तव में किसी गुरु ने यह प्रयोग बताया, तो मित्रों एक बार इस प्रयोग को करके देख लो और इसका पूरा पूरा लाभ लो। तो मैं आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।